स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 देखते हैं। पूछ रहा है कितना टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर जो आर एम स्पीड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, है ना, बिकम्स जस्ट सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ। तो बेसिकली इसने यहाँ पे वी आर एम एस को एस्केप वेलोसिटी के साथ बोल दिया है, कंपेयर कर लो, है ना, बराबर कर देना है। और मास दिया है मॉलिक्यूल का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे दिया है। तो वी आर एम एस के कई सारे फार्मूले हैं, जैसे कि सबसे फेमस फार्मूला होता है 3p बाय रो, एक फार्मूला ये भी होता है बच्चों 3RT बाय मोलार मास। अगर मोलार मास की जानकारी है तो इससे बढ़ा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से ये आएगा 3kT डिवाइड बाय, मैं यहाँ पे छोटा m यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला m बच्चों एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का मास होता है, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यही टर्म को अपन को किसको कंपेयर कर देना है, एस्केप के साथ, और ये हो जाएगा आरएमएस। ये दो फॉर्मूले नहीं लिखने हैं अपन को, ये होता है 11.26 किलोमीटर्स में होती है वैल्यू, ठीक है। और ये आ रहा है अपना आंसर, रूट के अंदर 3 लिखा, के की जगह आ जाएगा बच्चों 1.38 10^-23। ये अपन को फाइंड करना है, और मास और मोलर मास में कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ मॉलिक्यूल का मास होता है जो गिवन है अपन को। तो हो जाएगा 2.76 10^-26, ठीक है। मैं इसे यहाँ स्क्वायरिंग कर लेता हूँ, तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है 11.26 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 10^3, इसको पड़ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ आ रही है वैल्यू 3 × 1.38 डिवाइड बाय 2.76, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इस टर्म को साथ, तो ये हो जाएगा 10^3 और एक टेम्परेचर का टर्म आ रहा है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कैंसिलेशन में चले जाएंगे बच्चों, और अगर मैं इसके बाद और बात करूं, 3/2 का टर्म है, यहाँ आ रही टर्म, वो टेम्परेचर एट लास्ट आप लोग सॉल्व करोगे ना, तो आपको वैल्यू आसपास मिलेगी 8.360 मल्टीप्लाई बाय 10^4, और वैल्यू आ रही है अपनी केल्विन में, ठीक है। बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है, बस ये ध्यान रखना है कि किसके साथ रिलेट होगा, और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये किलोमीटर में होता है, इसलिए यहाँ पे 10^3 की टर्म आ रही है, ठीक है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, ओके।